इंसानियत मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज, देश की पहली महिला शिक्षिका माँ सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा राव फूले, आरक्षण के निर्माता और संविधान के निर्माता बहुत सद परम पूज बाबा साहब, और जिन्होंने देश के आन बान के लिए झुकना नहीं सीखा, अबलाओं को न्याय दिलाने में झुकना नहीं सीखा, ऐसे वीर पुरुष श्यामराज सुहलदेव जी सहित सभी संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करते हुए हमारे राजनैतिक गुरु माननीय कांसी राम साहब के भी चरणों में नमन वंदन करते हुए नीचे से आज राम अचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में सर्वबुद्ध जनों की संगोष्ठी में पंचासीन है हमारे तमाम सम्मानित साथी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष भाई बसपा बहुत वरिष्ठ साथी हैं, आयोजक साथी हैं, सम्मानित सत्येंद्र राजभर जी और जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा, सम्मानित बहुत पुराने साथी हैं आस नारायण राजभर जी, वरिष्ठ साथी भाई शिव जी राजभर जी, भीम राजभर जी, शिव नारायण राजभर जी, शैलेंद्र राजभर पूर्व प्रधान जी, और मंचा सीन है 7 बार से प्रधान सुनते आ रहे भाई, चंदौली के धरती से चलकर आए हैं सम्मानित सूबेदार राजभर जी, बहुत वरिष्ठ साथी है भाई राम सेवक राजभर जी, हर्ष राजभर जी, इकबाल आजमी जी, और आपके बगल जिले के सम्मानित साथी बहुत पुराने वरिष्ठ भाई मिट्टू राजभर जी, और तमाम साथी मेरे हाथ में लिस्ट है, मैं कोशिश करूंगा 2-1 मिनट में कंप्लीट करूं। हमारे जो इतिहासकार हैं बहुत योग्य विद्वान भाई एमबी राजभर जी, अरुण राजभर एडवोकेट जी, पूर्व प्रधान भाई शैलेंद्र राजभर जी, प्रधान संजय राजभर जी, घनश्याम राजभर जी, द्वारिका राजभर जी, सुजीत राजभर जी, मिट्टू राजभर जी, प्रभु राजभर जी, बहुत तेज तर्रार और समाज के लिए चिंतित और पैरवी करते हैं श्रीमती सुशीला देवी जी, श्रीमती शिव कुमारी देवी जी, के साहब पूर्व भाई परशुराम राजभर जी, बुकी राजभर जी, वरिष्ठ नेता उमेश राजभर जी, दीप नारायण राजभर जी, छोटे लाल राजभर जी, विशेष राजभर जी, राजू राजभर विद्यार्थी जी, बाबूलाल राजभर जी, सोनू राजभर जी, और उपस्थित भाई हरेंद्र दशरथ मोहन राजेश ओम प्रकाश राजभर जी, श्री लल्लन राजकुमार, बाबूलाल सत्यनारायण, राकेश संतोष भरद्वाज और भरत राजभर वीडीसी, सम्मानित हमारे जो वीडीसी और प्रधानगढ़ है नाम पढ़ रहा हूँ, माननीय आकाश कुमार राजभर जी, योगेंद्र राजभर जी, संजय राजभर जी, श्रीकांत राजभर जी, विजय राजभर जी, राजेश राजभर जी, ये सब लोग प्रधान है वर्तमान में, धर्मेंद्र राजभर जी, देवशरण राजभर जी, मनोज राजभर जी, अजय राजभर जी, और जो चंदौली में आज हमारे भाई राजभर समाज के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारियों को लेकर सूबेदार दादा सहित जिन्होंने एक ऐतिहासिक जनसभा कराई हुई, भाई पिंटू सिंह जी, भाई लालजी राजभर प्रधान जी, गोविंद राज गोविंदा राजभर जी, लाल राजभर जी, दीपक राजभर जी, दिलीप राजभर जी, अंजनी राजभर जी, प्रभुनाथ राजभर जी, अमरनाथ राजभर जी, प्रेम प्रकाश राजभर जी,
और हमारे तमाम साथी बेली से भी हरे भाई राजेश राजभर जी, मुनीम राजभर जी, रोहित राजभर जी, लालवरण राजभर जी, सुनील भारती प्रधान जी, कुलदीप राजभर जी, वीर भरत राजभर, सभी धनंजय राजभर प्रधान, सुभाष राजभर पूर्व प्रधान, वैनीताथ प्रधान, प्रसन्न राजभर जी, अजय राजभर जी, विनोद राजभर जी, महेंद्र राजभर जी, अवध नारायण राजभर जी, संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदौली रघुनाथ प्रसाद राजभर जी, फौजी सम्मानित प्रबंधक दरबार खान और सम्मानित गुफराम हाजमे जी, सम्मानित तरबुद ग्राम जी, साथ में एक मिनट और लूंगा, सम्मानित भाई अनिल राजभर एडवोकेट हमारे अधिवक्ता साथी बड़े पैमाने पे आए हैं, माननीय डॉक्टर सतीश चंद्र भरद्वाज जी, बीरबल राजभर जी, वशिष्ठ नारायण राजभर जी, नंदलाल राजभर जी, अरविंद राजभर जी, नवमी राजभर जी, कनमली पासवान जी, ओम प्रकाश दीपक राजभर जी, विश्वेश्वर और कमल देव उमेश राजभर जी, सम्मानित जनार्दन दीनानाथ सुरेंद्र राजभर जी, सम्मानित नंदलाल सत्यनारायण और सत्यानंद राजभर जी, सम्मानित दल सिंह सरवण मोहन राजभर जी, सम्मानित मिथिलेश राजभर, माइकल राजभर, गजेंद्र राजभर, लालचंद राजभर, सम्मानित ये चंदौली से भाई महेंद्र राजभर जी, अजय सिंह पत्रकार भी पिंटू सिंह का नाम ले लिया हूँ, और साथियों जिनका नाम छूट गया है क्षमा चाहता हूँ, जिलाध्यक्ष मऊ के जितेंद्र राजभर जी, उपाध्यक्ष भाई करमदेव राजभर जी, भाई हमारे डॉक्टर बहुत जिम्मेदार साथी है डॉक्टर अजय राजभर जी, भाई जितेंद्र राजभर जी कानपुर से, करमदेव राजभर जी, राम नरेश राजभर जी, राजेश राजभर जी, राम रगीना राजभर जी, विनोद राजभर जी, रविंद्र राजभर जी, रामलाल राजभर जी, सम्मानित दनेश राजभर जी, प्रवेश राजभर जी, गुरु गौर जी, जिनका नाम छूट गया, हमारे डॉक्टर साहब अगन बैठे भाई, पूर्व राजमंत्री डॉक्टर रमाशंकर राजभर जी, और सामने बैठे बुजुर्गों माताओं, अच्छा हमारे एडवोकेट साथी संजय राजभर जी हैं, मोहन जी वो जवाहर राजभर जी हैं, और वो शिव भाई नाम जी, जिनका नाम छूट गया, क्षमा मांगते हुए सामने बैठे बुजुर्गों माताओं बहनों भाइयों और इस कार्यक्रम में हमारे प्रबुद्ध जन साथियों, प्रधान बीडीसी अधिवक्ता साथियों और सम्मानित मीडिया के साथियों और जिलाध्यक्ष जो गाजीपुर के सुरेश राजभर, रामनारायण राजभर, गुड्डू राजभर, अभिमन्यु गौतम जी, बस भैया और मंच पे बैठे प्रबुद्ध जन इस गोष्ठी में आए समाज सहित सर्व समाज के बुद्धिजीवी साथियों, भाई बहनों, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी खमस में, जिस तरह बागी बलिया का नाम सुनता रहा वो आज सामने दिखा कि हमारे बहनें, हमारी माताएं, हमारे युवा साथी चट्टान की तरह बैठे हैं, खड़े हैं, गर्मी बरसात जा रहा है तो उनको जो है टच करके वो चला जाएगा, लेकिन उनके सेहत पे असर पड़ने वाला नहीं है। तो मैं बागी बलिया इस धरती को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए, मेरे दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद, साथियों हमारे तमाम मंच पे साथी बैठे हैं, अपनी बात रखते समाज के बारे में, युवा साथियों के बारे में, लेकिन समय अभाव के कारण उन्हें नहीं समय नहीं मिला, मैं क्षमा चाहता हूँ आयोजक साथियों की तरफ से, सत्येंद्र बाबू की तरफ से मैं क्षमा मांगते हुए। मेरे दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी है, मेरे दोस्तों मैं आज बलिया जिले के मिलन वाटिका के हाल में सिकंदरपुर में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं कि जो अलग अलग संगठन के हमारे जिम्मेदार साथी भी आए हैं उनको ठेस पहुंचे, लेकिन समाज के लिए, परिवार के लिए,
उनको भी ये खो के साथ देना होगा, तभी हम आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा इस 75 साल की आजादी में हम कहां खड़े हैं, इसको आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। मेरे दोस्तों, जिस पार्टी में 38 साल था, DF4 से लेके बहुजन समाज पार्टी बनी और 3 जून 2021 तक बहुजन समाज पार्टी में था, यहाँ पढ़े लिखे विद्वान साथी अधिवक्ता पत्रकार प्रधान BBC और तमाम संगठन से जुड़े लोग यहाँ हैं। मैं तो पहले उन युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो रसरा से चलकर और नगरा से आगे मोटरसाइकिल से और फोर व्हीलर से चल के इस चिलचिलाती धूप में इस हाल तक आए हैं। मैं उन युवा साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे तमाम युवा साथी सुहेल देव के नाम पे संगठन बना के वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी बेमैं धन्यवाद देते हुए मेरे दोस्तों में जरूर बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर आरोप क्या लगा कि रामचंद्र आठवर जो है जिला पंचायत के चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य किए। हमारे युवा साथी भाई सरोज राजभर जी भी आ गए मथुरा से, कुआसारी बक्सर और जनार्दन राजभर रसड़ा, इनको भी जिला पंचायत सदस्य पूर्व मैं सम्मान के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे ऊपर आरोप क्या लगा भाई बहनों कि जिला पंचायत के चुनाव में मैंने विरोध किया और 1993 से अभी तक मैं MLA हूँ, 4 बार मिनिस्टर था। तो मेरे दोस्तों, चर्चाएं तो बहुत हो रही है, हम लोग इंतजार भी किए, एक मान्या बहन जी प्रयास किए हमें भी 1 मिनट 2 मिनट दे दें, हमारा भी पंच सुन ले, लेकिन मेरे दोस्तों समय नहीं मिला, वो समय हमें नहीं मिला। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ, धन्यवाद और बधाई देके जाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों बसपा से जितने पार्टी से निकाले गए बहुत लंबी फेरिस्त है, जुगल किशोर से लेके लद्दू प्रसाद से लेके त्रिभुवन दत्त तमाम भूरा राम भी पार्टी से निकाले गए थे, आज हमारे बीच में नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य नसीमुद्दीन से लेके आज बहुत लंबी फेरिस्त है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब रामचंद्र राजभर को पार्टी से निकाले तो शायद बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं को ये नहीं मालूम था कि रामचंद्र राजभर पार्टी से निकाले जाएंगे तो अन्य नेताओं की तरह ये भी किसी दल में जाके चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, नौजवानों, यूथ, मेरे भाई बहनों, इस बेटे के निकालने के बाद पूरे देश में आग लग गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ नौजवान 15 साल जो बहुजन समाज पार्टी में सेवा किए कार्य किए हैं बड़े पैमाने पे। मैं चल रहा हूँ जौनपुर से, जौनपुर बलिया चंदौली गाजीपुर देवरिया बलिया मऊ आजमगढ़ अम्बेडकर नगर संत कबीर नगर बहराइच सुल्तानपुरा तमाम जिले के राजभर समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने इस दर्द को सहन न कर पाए और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने का और इतने नहीं, मैं बसपा के शीर्ष नेताओं को बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, एक तो यूपी की बात थी लेकिन मैं 20 साल बाहर काम किया पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने के लिए, बिहार झारखंड महाराष्ट्र उत्तराखंड दिल्ली गुजरात मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र फिर उत्तराखंड फिर गुजरात फिर बिहार और पश्चिम बंगाल, आज तमाम स्टेटों में बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रभारी था, कोऑर्डिनेटर था, प्रदेश अध्यक्ष था, राष्ट्रीय महासचिव था और मैंने ईमानदारी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मैं कभी भी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं किया, मैंने वो कुर्बानी किया, वो वफादारी, आज उसी वफादारी कुर्बानी का सिला मिला कि हमें जो है इस 38 साल बाद
हमें पार्टी से बाहर कर दिया है। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जीवन संघर्ष रहा, हमारे यूथ को जानना जरूरी है, हमारे युवा भाई बहनों को जानना जरूरी है। मेरे दोस्तों, 1993 में मैं पहली बार एमएलए हुआ, और किस तरह आप लोगों ने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी का मैं इतना मिशनरी कार्यकर्ता था कि 2 जून की घटना को ही बहुत, जो हमारे पुराने साथी हैं नए छोड़कर, किस तरह हमारी ठोकाई पिटाई हुई थी। लेकिन आए मेरे सम्राट सोहेलदेव जी के वंशजों, मार खाता रहा, नारा लगाता रहा, लेकिन आपके स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, बिकने नहीं पाया बेटा ना बचा राजा। यहीं से शुरुआत होती है मेरे दोस्तों। 3 जून 1995 को बहन मायावती जी मुख्यमंत्री होती है, मुझे भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है। और है मेरे दोस्तों, भाई बहनों, समय का काल चक्र और मेरे दोस्तों आदमी परिस्थितियों का दास होता है। ये कारवां चलता रहा। 1996 में जब मैं दूसरी बार अवेले हुआ, 96 में तो 93 से 96 97 में एमएलए और पूर्व मंत्री था, फिर जो है दूसरी बार चुनाव हुआ, उसी दौरान 1996 में मेरे दोस्तों लोकसभा का चुनाव आ गया। बहन मायावती जी ने मुझे बुलाया कि मैं अकबरपुर से घनश्याम चंद खरवार को टिकट दे रही हूँ, वो चमार बिरादरी के हैं, खरवार लिखते हैं, और वो सीट हमें जिता के देना होगा। मैंने कहा, बहन जी आपका आदेश सर आंखों पे, यहाँ बॉम्बे के तमाम लोग बैठे हैं, मुंबई के टाटा हॉस्पिटल मुंबई में हमारी पत्नी का इलाज चल रहा था, चुनाव के नाते में दोस्तों टाटा हॉस्पिटल से निकाल कर उनको जो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराने का काम किया। चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान ही मेरे कई कार्यक्रम लगे थे, लखनऊ से फोन आता है कि रामचल जल्दी आ जाओ, आपके पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। उसके बाद भी दोस्तों मैं 2 प्रोग्राम करके और 7 बजे मैं अकबरपुर से लखनऊ के लिए निकला। और मेरे दोस्तों 2:11 पे हमारी पत्नी का देहांत होता। 1.5 घंटा पेपर और कागज तैयार कराया और मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे कुल खानदान के लोगों, मैं सुबह तक घर लाश लेकर आया। दाह संस्कार करने के बाद पत्नी के दुख में वियोग में एक दिन भी मैंने अपना समय नहीं गवाया। सर पे कफन बांध के घनश्याम चंद खरवार को जिताने के लिए मैदान में उसी दिन निकल गया, मिट्टी होने के बाद, दाह संस्कार होने के बाद। अगली घटना बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरा जीवन संघर्ष क्या रहा। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ आज तक संघर्ष ही करता रहा। किसको मैं हराता हूँ, दलिया बागी के लोग अच्छी तरह जानते, पूरे प्रदेश देश के लोग जानते, उससे तो मैं जूझता रहा, उसको धूल चटाता रहा। लेकिन अगला मेरे दोस्तों, मेरे ऊपर जो आफत आई, मेरी बेटी हाई स्कूल गुड सेकंड पास हुई थी, उसको फिट्स आते थे, दौरे आते थे, और उसका दवा भी इलाज भी चल रहा था। 1 महीने की दवा 15 दिन में खा गई और बेटी डिस्टर्ब हो गई, सीरियस हो गई। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था, कार्यक्रम लगे थे, 48 लोकसभा सीट है, 288 एमएलए सीट है मुंबई महाराष्ट्र में। तो मेरे दोस्तों, घर से फोन जाता है कि आप जल्दी आ जाएं, बेटी बहुत सीरियस है। देखिए मैं कितना मिशनरी सिपाही। मैंने माननीय बहन जी से निवेदन किया, बहन जी बेटी सीरियस है, मुझे जाने दीजिए, 4-5 दिन में भर्ती करा के और सारी व्यवस्था करा के फिर चला आऊंगा। तो बहन जी ने कहा कि रामचंद्र मूवमेंट पिछड़ जाएगा, सर पे चुनाव है महाराष्ट्र में, घर वाले दवा इलाज करा देंगे। तो 23 दिन तक कार्यक्रम लगा था, 23 दिन कार्यक्रम खत्म हुआ, 24वें दिन चलकर मैं लखनऊ आया, फिर बेटी से मिली।
अगला मेरे दोस्तों मेरे ऊपर मुसीबत, मेरा छोटा भाई, उस समय भी मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था, राम सकल राजभर का एक्सीडेंट हुआ था, जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। उस समय भी मैंने बहन जी से पूछा, मैं महाराष्ट्र में विदर्भ में कार्यक्रम लगाया था, उन्होंने कहा कि घर वाले देख लेंगे, मैं त्रिभुवन दत्त को कह दे रहे हूँ। उस समय त्रिभुवन दत्त जिला अध्यक्ष थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, और वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। तो मेरे दोस्तों फिर उस समय देखिए इस मिशनरी कार्यकर्ता रामचल राजभर बहन जी के बात को अनसुनी नहीं किया, भाई जीवन और मृत्यु संघर्ष कर रहा था। मेरे दोस्तों मैं वहां से एक महीने बाद निकला। फिर अगला कदम मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा यह जीवन संघर्ष रहा। मैंने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं किया, मैंने समाज के साथ गद्दारी नहीं किया। अरे मेरे दोस्तों ताजा घटनाक्रम बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों एक घटनाक्रम और सुन लीजिए, महाराष्ट्र मुंबई में बहुत हमारे समाज के लोग रहते हैं, जब वहां का प्रभारी था, कोऑर्डिनेटर था, आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना के बाल ठाकरे जी नहीं है, जिंदा नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया। चुनाव चल रहा था और उन्होंने अपने लोगों को लगाया था कि राम अचल से बात करो, मुंबई में 36 MLA सीट है, माननीय एमबी साहब बैठे हैं इतिहास का, 288 MLA सीट पूरी महाराष्ट्र में है और मुंबई में अकेले 36 सीट है। वो चाहते थे कि राम अचल हमारे कहने पे डमी कैंडिडेट दे दे चुनाव लड़ाने के लिए बीएसपी से, और मुंह मांगा उन्होंने धन देने के लिए हमें प्रेरित कर रहे थे। मेरे दोस्तों उनसे कोई नजर नहीं मिलाता था, आज यहाँ बांबे वाले अगर होंगे नौकरी पेशी कर पेशा करने वाले, लेकिन मैंने बाल ठाकरे को कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका बड़ा कदर सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप अपने चेले को मेरे खिलाफ अकबरपुर से चुनाव लड़ाया था 1991 में पवन कुमार पांडे। तो मैंने कहा कि मैं आरपीआई का वर्कर नहीं हूं कि टूट जाऊंगा भीग जाऊंगा, अरे मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं, रामचंद्र का सर कट सकता लेकिन पैसे के बल पे झुकने वाला नहीं है। और मैंने दोस्तों मैंने ये जवाब देने का काम किया। ताजा उदाहरण दोस्तों मैं किसके लिए जेल गया था, अपने परिवार अपने लिए नहीं, सुश्री बहन मायावती जी के, इसके बाद भी बहन जी का दिल नहीं पसीजा, इतना निर्दय इतना कठोर हो गई कि ये बेटा जो है इंतजार करता रहा, हो सकता बहन जी मेरे विपक्ष को सुने ले। तो मेरे दोस्तों ये मेरा जीवन संघर्ष रहा और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, आज जो स्थिति चल रही है, आज जो हलचल मचा हुआ है, ये तो नौजवान हमारे सारे लोग तो इस्तीफा देने वाले लाइन में है, बलिया भी उनको भी सम्मानित किया हूँ, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों जब 18 जून 2021 को उस पवित्र धरती पर पहला कार्यक्रम हुआ रामचंद्र राजभर संघर्ष मोर्चा के तहत, सारनाथ ने वाराणसी ने कहा भगवान गौतम बुद्ध आज के 2.5 साल पहले 5 लोगों को उपदेश देकर आज इतना बड़ा मूवमेंट खड़े करके चली, ये तो इस देश की साजिश मनुवादियों की साजिश से मेरे दोस्तों उस धर्म को नष्ट करके आज कुछ चंद लोग जो है बहुत धर्म के अनुयायी हैं, पुजारी हैं, मानने वाले लोग। तो वहां से मेरा पहला फरमान कार्यक्रम शुरू हुआ, भाई हर्ष राजभर राम सेवक राजभर हमारे जो है डॉक्टर रमा शंकर राजभर भाई डॉक्टर अजय बाबू हमारे तमाम मिट्टू लाल और मेरे दोस्तों तमाम हर्ष भाई सारे लोग थे, वकील साहब थे भाई हमारे जिम्मेदार साथी संजय राजभर जी। तो मेरे दोस्तों मेरे राजनैतिक सफरनामा में जो मेरे ऊपर संकट आया एमवी राजभर जी भाषण दिए थे, तो वहां स्पीच में बात आई थी कि अभी तक हमारे लोग हमको दोस्तों उस समय पार्टी और संगठन से जुड़े पार्टी से नहीं जुड़े थे, जब बाबू दूधनाथ राजभर संगठन चलाते थे, फिर जो है सारा संगठन विलय करके अखिल भारतीय राजभर संगठन में विलय करके दिल्ली में श्री सुखदेव राजभर के नेतृत्व में
अनुसूचित जात के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन और कलम पे किए थे, जेल गए थे। तो मैं दोस्तों आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई और वो मांग पूरी होगी भी नहीं, क्योंकि उसमें एक क्लास है हमारे अधिवक्ता साथियों बुद्धिजीवी लोग विद्वान लोग बैठे हैं, संविधान के भी ज्ञाता बैठे, जानने वाले लोग बैठे हैं। इसमें एक पॉइंट एक क्लास ये है अनटचबल, छुआछूत। तो छुआछूत हमारे समाज के ऊपर नहीं लागू होता, मस्त आ रहा है लागू होता नहीं होता समाज में। समाज में शिड्यूल कास्ट के घर कोई नहीं खाएगा, उनके हाथ का बनाया कोई नहीं खाएगा। होटल छोड़ दो, चाय चट्टी पे चाय की दुकान छोड़ दो, ये आज की बात नहीं बहुत पुरानी है। और मेरे दोस्तों तो होगा नहीं, जो भी इस बिंदु पे आपको कहते हैं अनुसूचित जाति के लिए वो आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं किसी संगठन पे कमेंट करने नहीं आया। तो फिर बात उठी उस दिन दोस्तों 18 जून को अनुसूचित जनजाति, और हम अनुसूचित जनजाति के मानक को पूरा करते हैं। 2% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिल रहा है। तो जब उस दिन चर्चा हुई, भाई एमबी राजभर ने चर्चा किया और हमारे विद्वान साथियों ने, जब मुझे बोलने का मौका मिला उनको मैंने आश्वस्त किया कि अनुसूचित जनजाति की लड़ाई में हम सभी राजभर संगठन को लेके तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैंने वहां बोला था कि 28 फरवरी 2020 को मैंने नियम 56 के तहत विधानसभा के अंदर उठाया था। तमाम हमारे सोशल मीडिया पर हमारे जो नौजवान भाई है पढ़े लिखे विद्वान साथियों ने वायरल किया था। लेकिन मेरे दोस्तों जब वो बात रखी जा रही थी तो सरकार की तरफ से नकारात्मक उत्तर आया था, उधर मैं नहीं जाना चाहता। नकारात्मक उत्तर आया था और आप लोग देख रहे हो कि मीडिया और सोशल मीडिया पे हमारे दो नेता, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, पूरी देश के लोगों ने थू-थू किया, दुनिया के लोगों ने, कि जो आपका प्रकरण, जो आपका प्रश्न था अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, वो प्रकरण दब गया तो सामने आ गया कि असली राजभर इधर बैठे, नकली राजभर इधर बैठे। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये विधानसभा के अंदर है, 50 साल बाद भी विधानसभा की कार्रवाई निकालेंगे 28 फरवरी 2020 तो आपको जरूर मिलेगा। आगे मिला हो आए मेरे दोस्तों, वो इसी में दब गया और सरकार की तरफ से नकारात्मक उत्तर आया। फिर मेरे दोस्तों चलता रहा, ढाई दिन तीन दिन जो है विधानसभा दोबारा बुलाया गया कोरोना काल के बाद, तो उसमें मैंने नियम 51 में लगाया है 18 अगस्त 2021 को मैंने नियम 51 में लगाया। सरकार में जो प्रमुख सचिव होते हैं, आईएएस होता है विधानसभा में, स्पीकर का जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, जैसे हमारे माननीय सुखदेव राजभर थे, आज हृदय नारायण दीक्षित। तो मैंने क्वेश्चन लगाया था, महोदय उत्तर प्रदेश विधानसभा की अष्टम विधानसभा याचिका समिति ने अपने दिनांक 3 जनवरी 1981 के प्रतिवेदन के द्वारा राजभर जात को अनुसूचित जनजाति की सूची में श्रेणीबद्ध करने का निर्णय लिया था, परंतु अभी तक उक्त जात को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस जात की सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में स्थिति अत्यंत दयनीय है। और श्री हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में, ये बहुत सीनियर मंत्री विधायक थे भाजपा के, श्री हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में भी इस जात का राजकीय सेवाओं में भी प्रतिनिधित्व नगण्य माना गया है। राजभर जात
बार बार भर राजभर जात के द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग उठती रही है, परंतु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण उक्त जात के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ। ये मेरे दोस्तों क्वेश्चन स्वीकृत हो गया, स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन जो है तीन दिन सदन चला और तीन दिन के बाद सदन जो है स्थगित कर दिया। इसके बाद मैंने तीन बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी, जो हमारे संगठन के लोग संघर्ष कर रहे हैं, तमाम संगठन के लोग, उनसे भी मैंने राय मशविरा किया। फिर मैंने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी मैंने 7 अगस्त को लिखी, चिट्ठी मैंने 7 अगस्त को लिखी थी और 18 अगस्त को मैंने क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में, नियम 51 और क्वेश्चन भी लगाया था अल्पसूचित और तारंगिक। वो स्वीकार हो गया, चिट्ठी आई है, लेकिन जब अगला सदन होगा तब फिर जवाब सवाल होगा आमने सामने। तो मेरे दोस्तों आपको गर्व होना चाहिए, मुझे तो नहीं दिखता राजभर समाज के बैठे लोग हैं नौजवान, हम सम्राट सुहेलदेव जी के वंशज हैं, जिन्होंने संस्कृत की रक्षा की थी, अबलाओं की रक्षा की थी और देश में आए मेरे दोस्तों, उन्होंने संघर्ष करने का काम किया था, हम उनके वंशज में। क्या आपको पता है आप कौन लोग? अरे जो मेरे दोस्तों माननीय हमारे मंत्री राजभर जी इंडियन नहीं विदेशी, वहां से वो निकाले हैं, कलेक्ट किए हैं गजेटियर से, जरा पढ़ लीजिए सीना चौड़ा हो जाएगा। मैंने माननीय मोदी जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह को लिखा है, माननीय जनजात मंत्री को लिखा है, माननीय योगी आदित्यनाथ को लिखा मुख्यमंत्री, मैंने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पहला शब्द क्या है आप सुनेंगे, प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री जी, विषय भर राजभर जात को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचित किए जाने के संबंध में, जरा देखिए आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं। मैंने कहा महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में मूलतः निवासरत भर राजभर जात भारत की आदिम जाति है, ऐतिहासिक परंपरा में यह जात शासक जात रही है, इस जात का इतिहास भारत के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। आपके इतिहास को तो आजाद भारत में खत्म कर दिया गया, इतिहास से जुड़ा हुआ है। अंग्रेज राइटर जे एफ हैविक ने अपनी पुस्तक, हिस्ट्री एंड ओनोलॉजी ऑफ द मेकिंग एज 1889 के पृष्ठ संख्या 281 पर लिखा है, 1889 और पृष्ठ संख्या 281 किताब का नाम है हिस्ट्री एंड ओनोलॉजी ऑफ द मिस मेकिंग एज 1889। क्या लिखा है कि भारत का प्राचीन कालीन नाम भारत वर्ष, इसी भर शासन भरत से ही लिया गया, इसी भारत वर्ष इसी भर शासन भरत से ही लिया गया है, जिसका अर्थ है भरत की भूमि। आई मेरे दोस्तों ये पढ़े होंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अमित शाह, लेकिन मेरे दोस्तों क्योंकि अगर वो आपको आरक्षण दे देंगे, आपका बेटा आईएएस होगा, आईपीएस होगा और मेरे दोस्तों डीएमएसपी डीआईजी आईजी कमिश्नर होगा, उच्च अधिकारी बनेगा, तो वो अपने इतिहास को खोजेगा और अपने इतिहास में दबा नहीं सकते। ये विदेशी गजेटियर से निकाला गया है और मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा कांग्रेस की हुकूमत हमारे देश में। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा है और मेरे दोस्तों अभी तक जवाब नहीं आया है। मैं इस आधार पर भी चिट्ठी लिखा है बनारस में 2015-2016 में माननीय अमित शाह आए थे, 22 मार्च 2015 बहुत बड़ी रैली की गई थी राजभरों के बीच में, ये कहके उनको ट्रैक्टर बस 40 से लाया गया था कि वहां जो है आरक्षण की घोषणा होगी। तो इसलिए आरक्षण की घोषणा करें सिंगल इंजन डबल इंजन हमें दो
तो यूपी के सर्व समाज के साथ हमारे समाज के लोगों ने डबल इंजन दे दिया, उत्तर प्रदेश की भी सरकार बन गई, लेकिन विधानसभा में उठाने के बाद भी हमारे जवान को दबाने की कोशिश की गई और गुमराह किया गया जनता को। और मेरे दोस्तों, डबल इंजन की सरकार फिर 2022 में चुनाव आ गया, इसलिए मैंने माननीय अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन मेरे दोस्तों आज तक उत्तर नहीं आया। और मैंने कहा था अगर गरीब आर्थिक स्थिति में पिछड़ा हमारा अपर कास्ट अगर 48-72 घंटे में लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करा के माननीय महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन करके विद नोटिफिकेशन उनको 10% आरक्षण दे दिया गया, तो हम तो अलग से नहीं मान रहे हैं। राजभर समाज को 2% अनुसूचित जनजाति में समाहित करके लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करा के महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन लेकर और विद नोटिफिकेशन आप जारी कर दो, ये समाज आपके साथ 2022 में भी कांग्रेस का बड़ा प्रसार है। और उस दिन का रिस्पॉन्स क्या मिला, बड़े बड़े नेता निगाह लगाए थे 18 जून के कार्यक्रम को, बड़े बड़े नेता निगाह लगाए थे, आरएसएस बीजेपी के लोग अन्य दल के लोग, और बुलाया गया, मैं नाम लेके बताना चाहता हूँ, उनके बड़े बड़े नेता राज वो जो है आरएसएस के लोग बुलाए, भाई इधर बैठे हैं हर्ष राजभर, भाई राम सेवक राजभर, तमाम जो अच्छे विद्वान प्रवक्ता थे उनको बुलाया गया। हमसे कहा गया, क्या कहा गया, मंत्री जी चाहते क्या। 19 जून की बात है, 19, 20, 21 चार दिन इसमें डिस्कशन हुआ, तो हमारे इंजाबाज नौजवान साथियों ने कहा कि मंत्री जी को क्या चाहिए, इस 75 साल की आजादी के बाद भी आज भी हमारे समाज का एक भी आईएएस आईपीएस नहीं है। बहने थोड़ी देर और बैठ ले, माताएं बैठ ले, जान रहा हूँ कड़क गर्मी और उसमें आप बहुत देर से बैठी हैं। तो मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सुनिए मेरे राजभर समाज के लोगों, प्रबुद्ध जन विद्वान साथियों, उन्होंने कहा कि उनको कुछ नहीं चाहिए, रामचंद्र राजभर को केवल 2% आरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने शीर्ष नेताओं से चर्चा करूंगा, चार दिन के बाद फिर इन लोगों को बुलाया गया, शीर्ष नेताओं ने कहा, क्या कहा, रामचंद्र लाल बत्ती ले ले बेटा, राज्यसभा में बोरा खोल देंगे लेकिन हम अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं दे पाए। अरे आरएसएस बीजेपी के लोगों, मैंने 2 महीना दिया था हरीश राजभर रामचंद्र राजभर के स्वाभिमान को, कुर्सी पद और पैसा देके आप खरीद नहीं सकते, हमें चाहिए 2% आरक्षण। जो अनुसूचित और अपने यूपी में बहुत कम है, एसटी अनुसूचित जाति, चंदौली से लेके सोनभद्र मिर्जापुर, कुशीनगर से लेके पीली गोरखपुर लखीमपुर खीरी पीलीभीत के बॉर्डर पे है, कुछ जिले में भी कुछ हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और मेरे दोस्तों, हम कैसे हैं जरा इस पर भी मैं आपको जो है उदाहरण के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, और मैंने दूसरी शर्त रखी है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर मुझे मंत्री और सांसद बनना होता लाल बत्ती 8 महीने के लिए, तो इस गर्मी में मैं आपके बीच में नहीं आता, मैं मेरे दोस्तों समाज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और मेरा लक्ष्य टारगेट विधायक बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य टारगेट है कि अगर ये 2% आरक्षण नहीं देते हैं तो जिस दल से हमारे समाज को लगभग 7-8 टिकट मिलेगा, तो हम उसी दल को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मैं भी खुल के बात करना चाहता हूँ, आए बागी बलिया के नौजवानों, आपका जो गौरवशाली इतिहास रहा, आपका गौरवशाली इतिहास रहा, 3 साल पहले बलिया आजाद हुआ था, 3 साल पहले भैया, 3 साल पहले बलिया आजाद हुआ था, और हमारे अमर शहीदों
ने वीरांगनाएं बहनों ने अंग्रेजों के छत को कुचड़ाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया था। धन्य बाबा बी आर अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश का पवित्र संविधान बनाकर इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने का काम किया और 1952 से इस देश में चुनाव होना शुरू हुआ, विधायक मंत्री और सांसद बनना शुरू हुए। मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग अनुसूचित जाति की मांग को लेकर दिल्ली में धरना दे रहे थे, तमाम भाई राज नारायण जी है, राम सेवक जी है, भाई हमारे मिथु राजभर है, बहुत पुराने साथी हैं, जब वहाँ हम लोग धरना दे रहे थे तो उधर से मेरे दोस्तों बैनर लगा था, हमारे लोग गोलिया के भाषण दे रहे थे, आज राजनाथ राजभर नहीं है, वो बेचारे अहमदाबाद गुजरात में बहुत सोशल हमारे एक वर्कर थे, उनका भी देहांत हो गया। तो मेरे दोस्तों उधर से काफिला आ रहा था मानवर कांसी राम साहब, कांसी राम साहब माने और बहुजन समाज पार्टी के जितने संत गुरु हैं उनके माने बीएसपी नहीं है, गलत फहमी है, आप अपने दिमाग से निकाल दो। अरे इस लड़ाई को 102 ओबीसी के संतों गुरुओं ने लड़ी है, चाहे मेरे दोस्तों महात्मा ज्योतिबा राव फुले हो जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, 1818 विद्यालय जो है 1887 से लेके महाराष्ट्र में खोलकर बैठे समाज को जागरूकता लाने का काम किया था, चाहे प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले हो, चाहे मेरे दोस्तों स्वामी वो ये भगवान गौतम बुद्ध हो, चाहे ललई यादव जी हो, चाहे राम स्वरूप चौधरी हो, चाहे मेरे दोस्तों हमारे जो है बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी हो, इन लोगों के जो है संघर्ष और बिहार के लेनिन कहे जाते थे मेरे दोस्तों जोगेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, चाहे कबीर साहब हो, चाहे शिड्यूल कास्ट में संतों के संत गुरु रविदास जी हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे बाबा बी आर अम्बेडकर हो, चाहे मानवर कांसी राम साहब हो, सारे ओबीसी बैकवर्ड और दलित के हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने संघर्ष करके तब जाके इस लायक बनाया कि आज बाबा ने हमें संविधान दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, अगर एक वोट प्रधानमंत्री का है तो एक वोट गिनती एक ही गिनी जाएगी, और चाहे रहुआ निरहुआ कटवारू हमारे या सर्व समाज के लोग हैं, एक वोट की गिनती एक ही गिनी जाएगी, ये बाबा बी आर अम्बेडकर ने देने का काम किया था। इसलिए मेरे दोस्तों ये विचारधारा है, इनके इतिहास को पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों ये जो है ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद ये हमारा जो नौजवान है जो चाबाज हमारे आए मेरे दोस्तों पासी हो बिन बढ़िया मल्ला राजभर धाम लाहौर बढ़ई यादव हो, इनके इतिहास को मिटा दिया गया, इनके बातों ने अंग्रेजों के छक्कों को छुड़ा कर और 14-15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया था, और है मेरे दोस्तों आपके मान से उनके छक्के छूटे थे किनके आए मेरे दोस्तों अंग्रेजों के, तो जब अंग्रेजों ने मेरे दोस्तों जातिगत गणना कराया था गुलाम भारत में, तो उन्होंने अधिकारियों को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया था कि ये जो घर राजभर है एक भी व्यक्ति जो है छूटना नहीं चाहिए, ये कितने आबादी है, किन गांव में है, किन तालुका में है, किन तहसील में है, और मेरे दोस्तों जब रिपोर्ट आई तो बड़ा दुर्भाग्य है, जरा सुन लो आप कितने रणबांकुर हो, आप कितने ताकतवर हो, आप अपने स्वाभिमान को नहीं पहचान पाए हो, और मेरे दोस्तों आप कब आजाद हुए, मेरे दोस्तों मुझे कहने में भेद नहीं है कि 11 अगस्त 1871 में जब जनगणना होकर रिपोर्ट आ गई 11 अगस्त 1871 में आए मेरे भर राजभर समाज के लोगों, इन अंग्रेजों ने आपको अपराधशील जात घोषित कर दिया, क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया, और कितने दिनों तक 150 साल, अगर कहीं भी चोरी डकैती मर्डर होता था तो हमारे राजभर समाज के नौजवान को कोतवाली में बंद करके जेल भेजा जाता था। अरे अपराधी एक हो सकता है, पूरा परिवार नहीं हो सकता, पूरा समाज नहीं हो सकता, लेकिन मेरे दोस्तों आपको आजादी कब मिली, 3 साल पहले बलिया आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन मेरे भर राजभर समाज के लोगों 31 अगस्त 1952 को
हम मेरे दोस्तों आजाद हुए, हमारे ऊपर से क्रिमिनल एक्ट हटाया गया, आपके ऊपर से क्रिमिनल एक्ट हटाया गया और हमें मेरे दोस्तों नो जो है विमुक्त जात में रखा गया। मैं अलग से थोड़ो बात रहा हूँ, ये व्यवस्था है उनको जो है मेरे दोस्तों हमें बहुत पहले जो है अनुसूचित जनजाति में कर देना चाहिए था, लेकिन आज तक मेरे दोस्तों हमारे समाज के लिए उनके अंदर कोई दिल नहीं है, उनके अंदर कोई जो है हमारे प्रति ममता नहीं है, प्यार नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे निवेदन करके जाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें आपको साथ देना होगा। मैंने दोनों बात रख दी जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। मेरे दोस्तों मैं इसलिए श्री अखिलेश से अभी जो है 24 को मैं एक शिष्टाचार मुलाकात किया इससे, और अभी हमारे प्रेस मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि मेरे दोस्तों मैंने कहा ये जो प्रबुद्ध जन बैठे हैं इनकी जब ओपिनियन आ जाएगी, इनका जब राय आ जाएगा तब मैं कोई फैसला लूंगा। तो ये जो दोनों शर्त मैंने रखा है, जो दोनों शर्त मैंने रखी है, दोनों शर्त पे आप तैयार हैं? तो हाथ उठा के बताएं दोनों शर्त पे आप तैयार हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर 2% आरक्षण मिला तो उनके साथ, नहीं नहीं मिला तो जो हमें 8-9 टिकट देगा हम उस दल में जाएंगे, अपने समाज के लिए जो टिकट देंगे और मुख्य विकास धारा में जोड़ेंगे मैं उनके लिए उनके साथ जाऊंगा। तो मैं बता रहा था मानवर कांसी राम साहब वो रुकते हैं, हमारे लोगों को बुलाते हैं, जिसमें श्री सुखदेव राजभर जी गए, महाराष्ट्र के भाई रामभुज राजभर गए, तमाम लोग गए। साहब ने कहा ये क्या है मानवर साहब, तो हमारे नेताओं ने, हमारे सोशल समाज के अच्छे प्रवक्ता एडवोकेट ने कहा कि मानवर साहब हम भर राजभर जाते हैं यूपी में, हमारा कोई राजा नहीं, हमारा कोई विधायक मंत्री नहीं, हमारा कोई सांसद एमएलए नहीं, हमारा कोई IAS IPS नहीं। तो साहब ने कहा आओ राजा मैं बनाता हूँ। तो उन लोगों को समय दिल्ली में एक छोटा सा कार्यालय करोल बाग में था, तो करोल बाग हमारे नेता लोग गए और साहब से चर्चा हुई थी। धन्य मसीहा रे वो मुर्दों में जान डालने वाले, ओबीसी में राजनीतिक पहचान कराने वाले, ओबीसी में दलितों में वोट की ताकत का एहसास कराने वाले मानवर कांसी राम साहब ने विधायक सांसद इसलिए को बना दिया। इसको तो मानते हैं ना, लेकिन मैं आपसे सवाल करने आया हूँ, मैं अपने इन बुजुर्गों से सवाल करने आया हूँ। ये तो कांसीराम साहब के हाथ में था उतर के चले गए, लेकिन जो आपके हाथ में था कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते, ट्यूशन कराते, तो निश्चित हमारा बेटा बेटी इस आजाद भारत के 75वां साल के पहले IAS बनता, IPS बनता, उच्च अधिकारी बनता। तो आप तो नहीं दिए आरोप नेताओं पे फोड़ते हो, फलगवाताओं की धमकवाताओं की, ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं कि रामचंद्र की जिम्मेदारी रहेगी कि श्री सुखदेव राजभर की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी रही। आज मैं भीख मांगने आया, आज मैं अलग से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, भीख मांगने आया हूँ समाज के बच्चों के लिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा तालीम दी जाए, ट्यूशन पढ़ाया जाए। आप करेंगे पैसा कहाँ मेरे दोस्तों, पैसा अलग से नहीं करना, जो आपका फिजूल खर्ची है उसमें से कटौती कर। अगर बाप दादा की क्रही करना है तो वह नाथ मार बुला लो 10-20-50, तो 400 जुटाने क्या जरूरत है, पैसा बचा कि नहीं बचा। दिन में तंबाकू बीड़ी पान खाते हो 10-20 रुपए का, तो आधा बचा लो, बच जाएगा कि नहीं। रोटी दाल चावल सब्जी नहीं पाओगे तो नहीं जिंदा रह पाओगे, लेकिन जो फिजूल खर्ची सिगरेट बीड़ी पीते हो आधा कर, सुरती पान तंबाकू खाते हो तो खाएंगे बहुत खाते आधा कर, अगर दिन में 10 चाय पीते हो 5-6 चाय पीते हो, पैसा बचा कि नहीं। एक समय मांगने आया हूँ और दूसरा उसी में से बचा करो जो हमारे भैया मोच खींचते हैं। बताए भाई संजय हो, वो छात्र कौन क्या करेगा, हमारा समाज तो लेता है। अरे भाई जो पाउच लेते हो तो अपने बच्चन के लिए अक्कर पियो की बचा लो, ये रामचरण मांगने आया है अलग से नहीं। बचा लो कोई पाउच पीते अक्कर पियो भाई, एक पाउच का पैसा बचा लो, पीछे अभी कोई कपड़ा दो, पी दो, ट्यूशन पढ़ाओ भाई, अच्छी बात की नहीं। और मेरे दोस्तों समय मांगने आया हूँ,
एक दिन समय भी दीजिएगा। जैसे आज आप लोगों ने समय दिया, मैं कुछ लेकर दौड़ो आया हूँ, लेकिन मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप लोग चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बगिया बागी बलिया के मेरे भाई बहनों, ये तो ऐतिहासिक धरती है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में इतिहास जरूर बनेगा। और आज मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरे हर दल की निगाहें होगी बागी बलिया इस कार्यक्रम में, और टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम अचल में पदाधिकारी है, न कोई संगठन है, न कोई जो है पार्टी बनाया है, केवल विधायक है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज आप क्यों जुड़े हैं? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अगर रात में आप फोन किए, जरूर अटेंड किया। अगर आपके पास परेशानी आई, कोई बड़ा संकट आया, तो मैं महाराष्ट्र रहा, बिहार रहा, चाहे सतेंद्र बाबू फोन किए या जो और तमाम लोग हैं, बागी बलिया के तमाम लोग हैं, तो मैं जरूर आकर उनके सुख दुख में हाजिर रहा, उनकी मदद करने का काम किया। जितने जिले में राजभर समाज के लोग बड़े पैमाने पे हैं, मैंने वहाँ जाकर उनके दुख को, उनके आंसू को पोंछने का काम किया। मैं और कुछ दे नहीं पाया, लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने जरूर उनके आंसू को पोंछने का काम किया। और आपके माध्यम से ये जो प्रबुद्ध जन बैठे हैं, प्रधान BDC, अधिवक्ता साथी और हमारे हर संगठन के जिम्मेदार साथी, मैं मेरे दोस्तों आपके माध्यम से डबल इंजन की सरकार से कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि 1931 के बाद आज जातिगत जनगणना कराने में भाग रही है सरकार। ये आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? और मेरे दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हल्फनामा लगा दिया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लगा दिया कि जातिगत गिनती नहीं होनी चाहिए। अरे करा दो डबल इंजन की सरकार वालों, जातिगत अरे जनगणना करा दो। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बैकवर्ड का बेटा होगा, वो भी समाज का बेटा होगा। आपकी बोहनी होने वाली नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी से भाग रहे हैं और आपको गुमराह करके वोट लेके चले जाते हैं। नहीं, मीडिया ने कहा भाई आपका स्वागत किए छोटे लाल राजभर को, बड़ा झंडा लगा रहा। मैंने कहा भाई, मैं तो किसी दल में हूँ नहीं। अरे BJP के जो हमारे समाज के लोग हैं, BJP के झंडा लगा के माला पहनाए देते हैं। सुहलदेव पार्टी दल में जो है, अगर सुहलदेव पार्टी का झंडा और टोपी लगा कर माला पहनाएंगे, पहन लेंगे। पहनना चाहिए कि नहीं? जब हम किसी दल में नहीं है, तो हमें पहनना चाहिए। अगर हम दल में भी हैं, अगर समाज के लोग चलाए तो खड़े माला लेकर, तो हमारा पद एक मिनट हो तो उनके माला, उनके सम्मान को बढ़ा देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं ये भी बात आपके सामने रख के जाना चाहता हूँ। और मैं दोस्तों, मेरे निकालने का कारण और एक चीज जुड़ जाता है। मेरे दोस्तों सुन लीजिए, अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ये भाई वाराणसी के लोग बैठे हैं, एक भी राजभर को टिकट बसपा ने नहीं लिया। ये जौनपुर के लोग बैठे हैं, और 80 सीट में 49 सीट खाली चली गई, एक भी राजभर समाज को टिकट नहीं मिला। अब बागी बलिया में भाई सतेंद्र बाबू हैं, पता नहीं किसी राजभर को बसपा से टिकट मिला था कि नहीं मिला था। नहीं, एक भी नहीं मिला था। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ा सम्मान करता हूँ, उनके चुनाव में 6 लाख रुपया दिया था। ये हमारे बैठने भाई डॉक्टर रामशंकर राजभर, अनिल मऊ में प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी एक टिकट जिला पंचायत सदस्य का बसपा से नहीं मिला। और वहाँ के भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत सम्मान करता हूँ, तिलोकी राजभर, रातों दिन भाई प्रदेश अध्यक्ष के साथ चल रहे थे, वो टिकट के लिए मुझसे कहे। एक प्रवीण राजभर दरोगा है हमारे जिले में, उनके भाई जितेंद्र है, हाथ खड़ा कर दो। जितेंद्र राजभर के टिकट के लिए मुझसे पैरवी कराई गई, टिकट तो मिला लेकिन लेट मिला, नहीं तो भी बेटा जिला पंचायत सदस्य होता। संतोष राजभर को टिकट मैंने दिलाया, और जिस प्रदेश में प्रभारी रहा वहां राजभरों को भी टिकट दिलाया सर्व समाज के साथ साथ। भाई बक्सर बिहार के सरोज राजभर जी खड़े हो जाओ, जहाँ बाहर है सरोज राजभर जी, बाहर हो तो अंदर जाना,
अरे दोस्तों, इनको टिकट मैंने दिलाया था बक्सर से, बलिया के तमाम लोग जिताने के लिए गए थे। मंच पे खड़े हो जाओ, ये देखिए बेटे का चेहरा, ये सरोज राज भर है। और जब हमारा प्रभारी बिहार का प्रभारी हमारे बिरादरी का रहा, तो मेरे दोस्तों इसको टिकट नहीं दिला पाए। और मैं उत्तराखंड में ललन राजभर को टिकट दिलाया था, देवरिया के रहने वाले हैं, ऋषिकेश में सर्विस करते हैं। महाराष्ट्र में 3 टिकट दिलाया, गुजरात में सूरत में राम सिंह राजभर को टिकट दिलवाया था, ये बेलथरा के रहने वाले हैं, बागी बेलथरा के। तो मेरे दोस्तों, और मोहम्मदाबाद मेरे दोस्तों के हमारे जो है राजभर जी है, मिट्टू राजभर के कहने को वहां भी टिकट दिलाया था। इसलिए दोस्तों, वो आदमी किस काम का, अगर एक विधानसभा में जिला पंचायत का टिकट नहीं दिला सकता, तो क्या आप उम्मीद करते हो फ्री टिकट हमको राजभर को एमएलए का दिला पाएगा, एमपी का दिला पाना? मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बनारस मुझे गद्दार शब्द कहा, गद्दार शब्द, अरे गद्दार शब्द कहने वालों अपने दामन में झांको। अरे रामचंद्र राजभर उस समय नहीं टूटा बिका जब मुंगाना पैसा मिल रहा था। तो मेरे दोस्तों, उम्र ढल रही है, मेरे लिए सब कुछ बैठा समाज है, अगर मैं अपने समाज को कुछ दिला ले जाऊंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अगर हमारा कोई बेटा बेटी मेरे मरने के पहले अगर वो IAS IPS हो जाएगा, तब भी मेरा मैं सुकून से मर सकूंगा। ये मैं आपसे फरियाद करके जाना चाहता हूँ। मैंने भीख मांग लिया है, अलग से कोई हिस्सा नहीं मांगा है, अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं जरूर कहकर जाना चाहता हूँ, यह मेरे राजभर समाज के लोगों, आप अपने इतिहास को जरूर पढ़ो, बाबा के बारे में, मानव कांसी राम साहब के बारे में, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में, नारायणा गुरु के बारे में, गरड़िया पाल का बेटा पहला रामायण जलाया था, अरे पेरियार रामा स्वामी नायकर और राम स्वरूप पूर्वी बिरादरी के थे, जिन्होंने संघर्ष किया है आपके लिए, ओबीसी और बैकवर्ड के लिए, उन्होंने विधानसभा में रामायण को चीर कर फेंकने का काम किया था। आप विधानसभा की कार्रवाई निकाल लेना, विधानसभा की कहा उत्तर प्रदेश की, इन लोगों ने रण बापों ने लड़ाई लड़ी तब हमें कुछ मिलने का काम हुआ है। जो आज हम बोल रहे हैं, आज हम विधायक मंत्री बन रहे हैं, आज भाषण दे रहे हैं, ये हमारे संतों गुरु महापुरुषों की देन है। नहीं तो अगर भाषण देते तो जबान काट ली जाती, अच्छी किताब पढ़ते तो शीशा पिघला के डाल दिया जाता। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने संतों गुरु महापुरुषों के इतिहास को जरूर पढ़ेंगे, दूर दूर से आप लोग आएंगे। और मैं अपने भाई को, हमारे छात्र साथी हैं जनपद बलिया के, ये जो अखिल भारतीय राजभर संगठन बागी बलिया, ये लोग डिमांड किए हैं राजभर छात्रावास निर्माण हेतु सहयोग राशि, मदद करने की बात की है। तो आपको तो मदद करना होगा, लेकिन आज तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 25,000 की मदद में जरूर इन छात्रावास समाज का बने तो मैं जरूर, अभी इनके जो भी अध्यक्ष हैं वो पैसा ले लेंगे। और मेरे दोस्तों, जो हमारे युवा साथी मोटरसाइकिल से आ रहे थे चल के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप लोग इस चिलचिला की धूप में और कड़क की गर्मी में, खमस की गर्मी में आप इतनी देर तक बैठे रहे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, फिर मौका मिलेगा, फिर आपसे मैं चर्चा करूंगा। और